नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानुवर्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानुचरण। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जहां मेरिट का मेंस परीक्षा हुई थी, इसके तहत रिजल्ट भी आया और बहुत सारे जिलों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। विकास खंडों की बात करें तो यहां पर बहुत सारे विकास खंडों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि इसी से निर्धारित होगा कि कॉम्पिटिशन के परीक्षा देकर के छात्र नाइन्थ के क्लास में जहां पर पहुंचेंगे और वहां पर प्रतिवर्ष इन्हें 12,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये छात्र वही छात्र हैं जहां पर इन्होंने बहुत अपने स्तर से अच्छी मेहनत करके ये परीक्षा पास किया और इसी के आधार पर जिले की ग्रेडिंग की गई है और साथ में स्कूलों में जो विकासखंड है तो उन विकासखंडों की भी ग्रेडिंग की गई है। तो ग्रेडिंग में हम साथियों इस वीडियो में देखेंगे कि टॉप 10 जिले कौन से हैं और बॉटम जिले कौन से हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है, और साथ में कौन से विकासखंड हैं जो टॉप 10 में रहे और कौन से विकास करने जो बॉटम में आए हैं, और साथ में पूरी सूची देखेंगे कि आपका जिला कितने नंबर पर है, क्योंकि इसी के आधार पर आप कार्रवाइयां होना है। तो सभी शिक्षक साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो लगातार मिलते रहे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, अब हम इस खबर को डिटेल में जानते हैं। तो साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस द्वारा यह लेटर जारी किया गया है, जिसके तहत जिले की रैंकिंग और ब्लॉक की रैंकिंग को दर्शाता है कि आपने कैसी परफॉर्मेंस की है राष्ट्रीय मेरिट कम मींस में। यहाँ पर हम बात करते हैं टॉप 10 जिले और टॉप 10 ब्लॉक की, और वहीं पर बॉटम में कौन से जिले रहे, कौन से विकासखंड रहे। तो इससे पहले हम ये थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया है, यहाँ रैंकिंग जिले में आपके नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है। विकासखंड स्तरीय रैंकिंग में यह देखा जा रहा सकता है कि जिले में कुछ विकासखंडों द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहा है, जबकि कुछ विकासखंडों का प्रदर्शन खराब रहा है। आपसे अपेक्षा करूँगा कि बेहतर प्रयास करने वाले विकासखंड स्तरीय टीम को प्रोत्साहित करें तथा खराब प्रदर्शन करने वाले BRCs को समुचित निर्देश दें कि वह अपने कार्य में सुधार करें। तो साथियों, अब हम देखते हैं कि जो टॉप 10 जिले कौन से हैं। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर दमोह की जो सबसे अच्छी रैंकिंग रही है और पहले नंबर पर रहा है, यानी दमोह का जो शैक्षणिक स्तर है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर सेकंड नंबर पर मुरैना है, थर्ड नंबर पर छतरपुर, फोर्थ पर भिंड और पाँचवें नंबर पर रीवा, छठवें पर जबलपुर है, सातवें पर बालाघाट, डिंडोरी 8 और शिवनी 9 पर, और वही 10वें नंबर पर है देवास। यहाँ पर जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया है वह जिले अगर हम देखें तो निवाड़ी है सबसे 52 सबसे लास्ट में, जो उसके बाद है अशोकनगर, बुरहानपुर, आगर मालवा, बड़वानी, रतलाम, होशंगाबाद, धार और टीकमगढ़ रायसेन, ये टॉप बॉटम में आए जिले हैं। वहीं पर बात करें टॉप 10 विकासखंड की, तो ब्लॉक की लिस्ट में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर रीवा जिले का रीवा विकासखंड है, वो नंबर 1 पर है। और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के छात्रों ने सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हुए हैं अच्छे नंबरों के साथ। और वहीं पर अब बात करते हैं दमोह का तेंदुखेड़ा है, वहीं देवास का टोकन खुर्द है जो कि दूसरे तीसरे नंबर पर है, डिंडोरी का करंजा है, वहीं पर विदिशा का देखें तो इस प्रकार से ये सभी की लिस्टें डली है साथियों। और अब आप बॉटम का हम देखते हैं तो डिंडोरी का वाजग है और अनूपपुर का कोटमा है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये बॉटम की लिस्ट है जो कि सबसे न्यूनतम स्तर पर रहे हैं ये जिले। अब हम आपके ज़िले की लिस्ट को देखते हैं, आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं जिले की और साथ में विकासखंड की।